hello my dear students welcome once again in my youtube channel so in this video lecture we are going to discuss about human ear so first thing i want to tell you in this lecture about functions of human ear so what is the basic function of human ear we are going to discuss here first function is very common i think you all know uh, that is about hearing and uh, second one is uh, body equilibrium or body balancing you can say आप यहाँ पे बैलेंसिंग लिख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इसको बॉडी का इक्विलिब्रियम। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे ह्यूमन ईयर है इसके जो पार्ट्स हैं, इसको हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है आउटर ईयर मिडिल ईयर और इनर ईयर आउटर मिडिल एंड इनर अगर हम लोग आउटर ईयर की स्टूडेंट्स बात करें तो आउटर ईयर के जो फर्दर पार्ट होंगे आउटर या हम लोग इसको एक्सटर्नल ईयर भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल ईयर तो इसके जो फर्दर पार्ट्स होंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल दो पार्ट्स में हम लोगों ने इसको बेसिकली डिवाइड किया है ऑडिटरी कैनाल ई और ईयर पिन्ना और एक फर्दर पार्ट भी और बोल सकते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम जिसको कि हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं टिम्पेनिक मेमब्रेन बोल सकते हैं और पिन्ना के लिए हम लोग दूसरा वर्ड कभी कभी ईयर ऑरिकल भी यूज करते हैं दैट इज ईयर ओरिकल एंड इट्स फंक्शन इज टू कलेक्ट एंड डायरेक्ट द साउंड वेव्स टू द मिडिल ईयर ये जो ईयर ड्रम है इसका फंक्शन क्या होगा कि ये साउंड uh, वेव्स को कलेक्ट करेगा और मिडिल ईयर को ट्रांसफर uh, करेगा नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मिडिल ईयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं तो हमारे पास जो मिडिल ईयर है uh, इसको हम लोग सेपरेटली रिख लेते हैं मिडिल ईयर Uh, इसको हम लोगों ने फर्दर uh, बोला हुआ है यहाँ पे इम्बेडेड है ये क्रेनियल बोन में और ये एयर फिल्ड कैविटी है यहाँ पे थ्री टाइनी बोन्स हैं थ्री टाइनी बोन्स आर हियर और इन बोन्स को हम लोगों ने बोला है ईयर ऑसिकल दीज आर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स एंड दैट वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जो हमारी ईयर ऑसिकल है यहाँ पे बेसिकली आ, उसको हम लोगों ने थ्री ईयर ऑसिकल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलियस एंड सेकेंड इज कॉल्ड इनकस एंड थर्ड इज कॉल्ड स्टेट्स इसको हम लोगों ने नॉर्मल नेम में हम लोग बोल देते हैं मैलियस को हैमर इनकस को हम लोग बोलते हैं एनविल एनविल लाइक -like होता है इसका स्ट्रक्चर और इस स्टेप्स को हम लोग बोलेंगे स्टीरप इट इज कॉल्ड नेक्स्ट पॉइंट की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें यहाँ पे तो जो हमारे पास फर्दर स्टेप्स को हम लोगों ने स्टीरप लाइक -like बोला हुआ है और स्टेप्स को हम लोगों ने बोला स्टेरा और दिस इज अटैच टू द ओवल विंडो और अगर हम लोग मिडिल uh, ईयर की ये बात हम लोगों ने करी और मिडिल ईयर में ही हमारा स्टेचियन ट्यूब भी आ जाएगा और जो कि स्टेचियन ट्यूब एक शॉर्ट ट्यूब है जैसा कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड स्टेचियन ट्यूब एंड दिस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट विल कनेक्ट मिडिल ईयर टू फैरिंग मिडिल ईयर को फेरिंग से अटैच करेगा एंड इट हेल्प इन इक्वलाइजिंग द एयर प्रेशर को इक्वलाइज करेगा ऑन बोर्ड द साइड ऑफ इयर ड्रम एंड इट विल अलाउ टू वाइब्रेट फ्रीली विन द साउंडक्स नेक्स्ट हम लोग इनर ईयर के स्टूडेंट अगर बात करें तो इनर ईयर का भी हमारे पास इट दिस इज अ फ्लूट फिल्ड चैम्बर और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स uh, सिस्टम है जो कि यहाँ पे कैनाल्स और कैविटीज हैं कैनाल्स एंड कैविटीज आर देयर और नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कॉकलिया इनर ईयर का बेसिक पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कॉकलिया है और कॉकलिया को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एसोसिएटेड विद हियरिंग एंड वेस्टिब्यूलर एपरेटिस इज ऑल्सो देयर विच इज एसोसिएटेड विद बैलेंसिंग एंड इनर ईयर ई इज मेड अप ऑफ बोनी लेबरिंथ बोनी लेबरिंथ और मैमरेनस लैबरिंथ से बना हुआ है तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स एक्सटर्नल ईयर एंड ऑडिट्री कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इतने पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पार्ट लगभग यहाँ तक का कवर कर रहा है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर में हमारे ये आ जाएंगे मेलियस इनकस और स्टेप्स ये हमारे मिडिल ईयर के पार्ट हो गए मिडिल ईयर और इसके बाद से ओवल विंडो जो है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स एम्प्यूला यूट्रिकुला सेक्यूल ये सारी चीज़ें हमारी इनर ईयर में आ जाएंगे तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है एक आउटलाइन वीडियो है सिर्फ ह्यूमन ईयर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग ह्यूमन ईयर इनर ईयर और हियरिंग से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग पूरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हाउ द पा हाउ द साउंड वेव्स इन द ईयर आर गोइंग टू ट्रैवल और कैसे ऑडिटरी नर्व जो है वो इम्पल्स को कैरी करती है कॉकलिया से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक कैसे लेकर जाती है ये सारी मैकेनिज्म हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आउटलाइन और ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन ईयर सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो विल हेल्प इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू फॉर कंटिन्यूअस सपोर्ट आई होप वी विल मीट वंस विद अ न्यू वी विल मीट अगेन विद अब तक के लिए बाय बाय टेक केयर